प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, विलेय और अविलेय, अर्थात घुलनशील और अघुलनशील। हमारे पास नमक, चीनी, रेत, चॉक पाउडर और लकड़ी का बुरादा है। 5 गिलास पानी से भर लीजिए। अब इनमें हम इन पदार्थों को डालेंगे। सबसे पहले चीनी, शुगर हम डाल रहे हैं। डालने के बाद इसे अच्छी तरह खिला लेंगे। अब हम नमक डालेंगे अगले गिलास में। ये नमक डाला, इसे भी अच्छी तरह हिला लेंगे। अब हम रेत डालेंगे। ये तीसरे गिलास में हम रेत डाल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, ये हम रेत को हिला रहे हैं। अब हम चौथे गिलास में चॉक पाउडर डालेंगे। ये डाला हमने, अब हम इसे भी अच्छी तरह हिलाएंगे। आखिरी गिलास में लकड़ी का बुरादा। डाल दिया, अब हम इसे भी अच्छे से हिला लेंगे। सारे पदार्थ डालने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही रखें और फिर निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले चीनी, उसके बाद नमक, रेत, चॉक पाउडर और लकड़ी का बुरादा। ध्यान से देखेंगे, चीनी पूरी तरह घुल गई है, नमक भी पूरी तरह घुल गया है, रेत तली में बैठ गया है, चॉक पाउडर भी नीचे बैठा हुआ है और लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुला है, नीचे बैठ गया है। जो पदार्थ जल में लुप्त हो गए या पूर्णतः घुल गए, उन्हें हम जल में विलेय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ जल में मिश्रित नहीं हुए और जल में लुप्त नहीं हुए, उन्हें हम जल में अविलेय पदार्थ कहते हैं। Some substances completely disappeared or dissolved in water. These substances are called soluble in water. While some substances do not mix with water and do not disappear or dissolve in water, these are insoluble in water. आइए देखते हैं, क्या द्रव भी जल में घुलनशील होते हैं। सबसे पहले सिरका जल में डालेंगे और इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। इसके बाद अगले गिलास में हम सरसों का तेल डालेंगे। डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह खिला लेंगे। तीसरे गिलास में हम नींबू का रस, लेमन जूस, ये हमने डाला और इसे भी खिलाएंगे। अच्छी तरह खिला मिला लिया। इसके बाद डीजल या केरोसिन तेल,
ग्लास में डाल दिया। इसे भी अच्छी तरह हिला लेंगे। आखिरी गिलास में दूध, ये हमने डाल दिया, अब इसे भी हिला लेंगे। पांचों द्रव जल में डालने के बाद अब हम कुछ देर के बाद ध्यान से निरीक्षण करेंगे। ये सिरका, सरसों का तेल, नींबू का रस, डीजल या केरोसिन ऑयल और दूध, इनमें से सिरका पूरी तरह से घुल गया है, सरसों का तेल ऊपर ही लेयर बना के रुका हुआ है, नींबू का रस बिल्कुल मिल गया है, डीजल भी ऊपर ही लेयर बना कर रुका हुआ है और दूध भी मिल गया है। सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर। द्रव भी विलेय है। इसके अलावा कुछ गैसें भी जल में विलेय हैं, जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती हैं, जैसे जल में विलीन ऑक्सीजन गैस, ये जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सिमिलरली सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। Water usually has small quantity of some gases dissolved in it. For example, oxygen dissolved in water is very important for animal and plants that live in water. जल में कुछ सिक्के, सूखे पत्ते, चाबी, लकड़ी के टुकड़े, चुंबक, कागज या स्पंज डाल के देखते हैं। इस गतिविधि में कुछ पदार्थ जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि कुछ टूटकर तली में बैठ जाते हैं। ये भी पदार्थ का एक गुण है। सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन द वाटर व्हाइल अदर सिंक इन इट।